केसीआर तेको जेल भेजा देता हूं। इंशाल्लाह केसीआर की गारमेंट खाली 20 महीने की है अब, और इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी और इंशाल्लाह रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री हो जाएंगे। फर्स्ट फाइल वॉकबोर्ड की जुडिशरी पावर की साइन कराएंगे, और मैं और उस्मान अल हाजरी पीछे पड़ के केसीआर को तिहाड़ जेल, केटीआर को चरलापल्ली, पापिचारी कविता को चंचलपुरा भेजा देंगे। मेरे साथ महमूद अली का नाम कहीं लेते यार, पापिचारा गूंगा है, भैरा है उन्हें, अरे उसकी उसका नाम रख लिया राइट। कोई भी एक जने मेरे साथ डिबेट पे आ जाओ, मैं जितने भी पॉइंट था बोला, अगर से एक भी गलत है खुदा की कसम फिरोज खान ये कंधा उतार के सियासत छोड़ देता। अनिल अजीज फिरोज खान साहब नामपल्ली इंचार्ज, उनसे गुजारिश करता हूं कि अपने ख्याल का इजहार। आज का जलसा माइनॉरिटी गर्जना की जो सदारत कर रहे हैं हमारे बड़े भाई सोहेल साहब, पीसीसी प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी साहब, उत्तम कुमार रेड्डी साहब, शब्बीर अली जी, गीता रेड्डी मैडम, सुनीता राव जी, कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, सीनियर लीडर्स, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, और मेरा और कांग्रेस का जानशीन जो वर्कर है दरिया दिल शेर दिल, आपको और प्रेस को अस्सलाम वालेकुम नमस्कार। आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि 7.5 साल से केसीआर और टीआरएस मुसलमानों को धोखे पे धोखा देते हुए आ रहा। आज पहली मांग, आज जब मैं सोहेल भाई से बात करा था तो सोहेल भाई बोले एक रेजुलेशन पास करेंगे, और वो ये थी कि पहली मांग आप 12% हमारे को देते। बोले ये केसीआर सच्चार कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट बनी, जिसके अंदर कलेक्टर है, एसपी है, आरडीओ है, सब कलेक्टर है, ये सब लोग मिलके जहां पर भी वक्त की जमीन कब्जा होती आप उसको कब्जे को निकालना है, इवैक्यूएशन करना है, एवरी मंथ स्टेटस रिपोर्ट देना है, कुछ तो भी हो रहा वक्फ बोर्ड में। सो आप जब वक्फ बोर्ड इस तरीके से काम कर रहा, जहां पे मुसलमान को रत्ती बराबर भी मदद नहीं मिल रही, तो मैं हमारे रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश करना चाह रहा हूं। रेवंत रेड्डी साहब लास्ट स्पीच में बोले मैं आदिलाबाद में इंद्रावली में केसीआर ते को जेल भेजा देता हूं। केसीआर मैं एक चीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं हमारे रेवंत रेड्डी साहब से, इंशाल्लाह केसीआर की गारमेंट खाली 20 महीने की है अब, और इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी और इंशाल्लाह रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री हो जाएंगे। फर्स्ट फाइल वॉकबोर्ड की जुडिशरी पावर की साइन कराएंगे, और मैं और उस्मान अल हाजरी पीछे पड़ के केसीआर को तिहाड़ जेल, केटीआर को चरलापल्ली, पापिचारी कविता को चंचलपुरा भेजा देंगे। मेरे साथ महमूद अली का नाम कहीं लेते यार, पापिचारा गूंगा है, भैरा है उन्हें, अरे उसकी उसका नाम रख लिया राइट। तो रही बात मुसलमानों, आज ये हमारे सोहेल भाई जो मीटिंग लगाए, आप पूरे जाके आप अवेयरनेस करना, मुसलमान भाई और बहनों को आप समझाना। देखिए साहब, ये केसीआर 800 दिन से आज तक खाली सिर्फ मुसलमानों को धोखा दिया,
कितने वादा करूं मैं, एक दिन होता अगर से मैं पूरा शुरू करूंगा तो। जॉब्स नहीं दिया, लोन नहीं दिया, डबल बेडरूम नहीं दिया, फीस रिएम्बर्समेंट, ओवरसीज स्कॉलरशिप, हॉस्पिटल, मेट्रो, मूसी को साफ करते बोला, बालकपेट रेस कोर्स को और चंचलगुड़ा जेल को। आप बोले मैं हॉस्पिटल बनाता हूँ, आप बोले मैं कॉलेज बनाता हूँ, आप बोले उस्मानिया को मैं डेवलप करता हूँ, चार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाता हूँ। आज क्या हो गया? जब ओल्ड सिटी में पानी पड़ा था, हैदराबाद में पानी पड़ा था, इंक्रोचमेंट के अंदर पूरा पानी आ गया, लैंड ग्रैबर्स को आप सपोर्ट करें, आप बोले आधी इंच भी रहेंगी तो मैं साफ कर दूंगा, बोले आप क्या हो गया था हमारे ओल्ड सिटी की हालत, क्या हो गया था हमारे ओल्ड सिटी की हालत, पूरा तालाब बन गया था, पूरा ड्रेनेज का स्विमिंग पूल बन गया था अपना, और आप क्या करें, 10,000 रुपए दिए, और 10,000 रुपए आप किसको दिए, बेहतरीन बात बोले, MIM के एजेंटों को और TRS के दलालों को दिए आप, असली आदमी को तो आप नहीं दिए, परेशानी क्या थी वो तो, वो टाइम भी हमारे PCC सदर उत्तम साहब थे, उनके साथ जाके मैं बताया, साहब जमीन जो ग्राउंड फ्लोर पे है उसको कॉम्पनसेशन नहीं मिला, जो फर्स्ट फ्लोर पे है उसको मिला, देखो साहब ये KCR है साहब। तो आप लोगों से ये गुजारिश है, देखिए माइनॉरिटी को 14 विंग्स है, 14 विंग्स आपको मालूम होगा, हज हाउस है, हज कमेटी है, स्टडी सर्कल है, मक्का मस्जिद है, कमिश्नर सर्वे वर्क है, फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, रेसिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, माइनॉरिटी कमीशन है, ऐसे 14 विंगों में हमारे पास स्टाफ नहीं है, हम हर टाइम जब भी एहतजाज करते हम आपको यह बात बोलते, KCR साहब हाई लेवल मीटिंग लगाइए, जॉब के लिए आप मेहरबानी करके लोगों को गवर्नमेंट आप को, स्टाफ को आप डालिए, जितने भी लोग काम करते हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में पूरे डेप्यूटेशन में काम करते, हमारे पास स्टाफ नहीं है, तो आप सोचिए जब एक हमारे गवर्नमेंट ऑफिसों में हमारे पास स्टाफ नहीं है और हमारे पास पैसा नहीं है। एक सबसे बेहतरीन चीज आपको KCR की आज बताऊंगा, 2014 से और 2021 तक 7 सालों में बजट जो अलोकेट करे और उसके बाद में रिलीज करे और उसके बाद में स्पेंड करे, आपको बताओ जो माइनॉरिटी बजट बता रहा था मैं आपको, 7 साल से जो एलोकेट करे वो है 12,000 करोड़ 7 साल में, और रिलीज कितना करे, 8,000 करोड़,